गुड इवनिंग दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार पटेल, टीसीएम परिवार में आपका स्वागत है। मैं और आप टीसीएम परिवार के यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। कल जो अपना साइंस का वीडियोज हुआ था, उसमें मैंने आपके लिए कार से संबंधित डाटा के बारे में बताने की कोशिश की थी, और उस वीडियो में मैंने बोला था मैं अगले जो चैप्टर लेके आऊँगा वो होगा आपका ऊर्जा से संबंधित। तो दोस्तों ध्यान से समझना, आज का टॉपिक है ऊर्जा। ऊर्जा से संबंधित छोटी छोटी चीजें आती हैं, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो ऊर्जा है कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यहां पे जो कार्य किया जाएगा और जो कार्य करने की क्षमता होगी उसे क्या कहा जाएगा, ऊर्जा कहा जाएगा। तो यहां पे जो ऊर्जा के मात्रक होंगे वो सारी की सारी कंडीशन कार्य वाली अप्लाइड होगी, कार्य वाली कंडीशन यहां पे फॉलो की जाएगी। दोस्तों सूत्र, यदि अपन मात्रक की बात करें तो मात्रक जूल, एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक, अर्ग, वही बदलने वाली कंडीशन नोट पॉइंट, एक जूल बराबर कितना हो जाएगा 10^7 अर्ग। इसके बाद इसके विमीय सूत्र की बात करें तो m1 l2 t-2। दोस्तों ये कहां से किस तरीके से बनाए इसका पता लगाने के लिए आप मेरे पहले वाले वीडियो में जाने की कोशिश करें। मैंने कार में सारे निकालना किस तरीके से आई सारी चीजें बताई हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो ऊर्जा है एक अदिश राशि, किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि है। मैंने बताया था 90% जितनी अदिश राशियां होती हैं उनमें वार नहीं रहता, और वे राशियां जिसमें वार रहता है 90% कैसी होती हैं, सदिश होती हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। कहने का ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना तो नष्ट किया जा सकता है, इसको तो केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अर्थात ऊर्जा को रूपांतरित कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं, अर्थात इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, इसे कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। अर्थात ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को तो केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, इसे कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। यदि बात करें दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा की, यांत्रिक ऊर्जा होती क्या है, तो वस्तु की गति और अवस्था स्थिति में परिवर्तन करके जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। वस्तु की गति अवस्था स्थिति में परिवर्तन करके जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा होती कितने प्रकार की है, दो प्रकार की, एक आपकी गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा इक्वल फॉर्मूला होता है 1/2 mv², जहां पे m क्या है द्रव्यमान और v क्या है वस्तु का वेग। इसके बाद हमारा स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा इक्वल होता है mgh, m हो गया द्रव्यमान, h हो गया ऊंचाई, और g होता है गुरुत्वीय त्वरण। दोस्तों ये आपको मैंने यांत्रिक ऊर्जा बता दिया। यांत्रिक ऊर्जा क्या कहलाती है, गति अवस्था और स्थिति में परिवर्तन करते हुए वस्तु में अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा होती कितने प्रकार की है, दो प्रकार की, गतिज ऊर्जा, दूसरी आपकी स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², और स्थितिज ऊर्जा होती है mgh। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है
गति के कारण ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 mv². दोस्तों यदि मैंने आपके लिए क्वेश्चन दे दिया, यदि वस्तु के वेग को दो गुना कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए, दो गुना कर दिया जाए, तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान से समझना, वेग भी था, कंडीशन क्या है, जो वेग है भी उसको क्या कर दिया आपने, दोगुना, मतलब भी क्या हो गया है, 2v, तो गतिज ऊर्जा हो क्या जाएगी, E=1/2 mv² होता है दोस्तों, लेकिन भी की जगह पे आप कौन सी वैल्यू पुट करनी है, 2v, अर्थात कितना हो जाएगा, 1/2 mv², भी की वैल्यू क्या है, 2v² अर्थात कितना हो जाएगा, 1/2 m, इसका सॉल्यूशन करोगे तो 4v², अर्थात दोस्तों देखा जाए तो कितने गुना हो गई, लगभग 4 गुना हो गई। कहने का मतलब ये है दोस्तों, यदि वस्तु के वेग में 2 गुना किया जाता है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है 4 गुना बढ़ती है, वेग में 2 गुना वृद्धि होगी तो वस्तु की गतिज ऊर्जा में 4 गुना वृद्धि होती है। इसके बाद बात करते हैं ऊर्जा रूपांतरण के कुछ एग्जाम्पल, ऊर्जा रूपांतरण के कुछ एग्जाम्पल समझने की कोशिश करना दोस्तों, छोटे से छोटे एग्जाम्पल को पढ़ लेने की बात करते हैं। फर्स्ट नंबर लिया डायनेमो, इसको बोलते हैं जनरेटर। ये क्या करता है, जनरेटर एक मैकेनिज्म होता है, अर्थात यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दोस्तों आपने देखा होगा पंखा, मिक्सी या जो भी इलेक्ट्रिक मशीन होती है, इसमें होती है विद्युत मोटर, क्या होती है, विद्युत मोटर। दोस्तों आपका उपकरण हो गया, विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा, दोस्तों जैसे पंखा है विद्युत के माध्यम से चलता है, हमें क्या देता है, हवा देता है, अर्थात इसने क्या किया, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला, कैसे बदला, यांत्रिक ऊर्जा में बदला। इसके बाद करते हैं तीसरा एग्जाम, विद्युत बल्ब क्या करता है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, किसमें परिवर्तित करता है, प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित। दोस्तों यहां पे मैंने आपके लिए बताया डायनेमो कहलाता है, जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत बल्ब क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके बाद दोस्तों और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अपन बात करते हैं मोबाइल फोन है आपका, एक यहाँ पे स्पीकर लगा रहता है, एक यहाँ पे रहता है, कहने का मतलब जो अपनी आवाज को अट्रैक्ट करता है, खींचता है, वो कहलाता है माइक्रोफोन क्या करता है, आपकी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत सिग्नल अर्थात विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसी के बाद देखते हैं लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को अर्थात विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं सोलर पैनल, दोस्तों देखा होगा अधिकतर इस तरीके की प्लेट लगी रहती है और ये सूर्य के प्रकाश की किरणें बढ़ती हैं तो ये चार्ज होती है और चार्ज के पास हमें क्या देती है, प्रकाश देती है, अर्थात इसको अपन बोल सकते हैं सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसमें बदलती है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इसके बाद और एग्जाम्पल देखते हैं हथौड़े का
ऊपर उठाना। सॉरी ये अभी यांत्रिक ऊर्जा के एग्जाम्पल आ गए, अभी और अपन परिवर्तित करने वाले देखते हैं। इसके बाद सोल पैनल देख लिया, इसके बाद देखते हैं अपन सेल। क्या देखते हैं दोस्तों? सेल। सेल में क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में। इसके बाद दोस्तों देखते हैं मोमबत्ती। मोमबत्ती क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को एक किसमें कन्वर्ट करती है? प्रकाशीय ऊर्जा में बदलती है। दोस्तों ऐसे कई प्रकार के एग्जाम्पल मिलेंगे जो आपके दैनिक जीवन में भी आप प्रयोग करते हैं कि किस प्रकार की ऊर्जा को किस प्रकार में बदला जाता है। कुछ और एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। जैसे देखा घड़ी की चाबी, घड़ी की चाबी, घड़ी की चाबी में क्या होता है? जैसे ये जो वॉच होती है, वॉच की अपन चाबी को भरते हैं तो इसमें स्थितिज ऊर्जा आती है। कौन सी आती है? स्थितिज, स्थितिज ऊर्जा स्टोर हो जाती है। बांध में, बांध डैम, इसमें क्या होता है? पानी इकट्ठा होता रहता है और पानी इकट्ठा होते होते जब ज्यादा हो जाता है उस बांध की क्षमता से ज्यादा, तो उसको बांध को तोड़ के बाहर निकल जाता है। अर्थात बांध में भी कौन सी ऊर्जा आ जाती है? स्थितिज ऊर्जा। बच्चों के खिलौनों में, बच्चों के खिलौने की चाबी से कौन सी ऊर्जा उत्पन्न की जाती है? दोस्तों बच्चों के खिलौने की जो चाबी होती है उसको ऐसा ऐंठ दिया जाता है जिसके कारण उसकी जो स्प्रिंग होती है वो घूम जाती है, धीरे धीरे वो रिलीज होती है और हमारा जो खिलौना होता है वो वर्क करता है। अर्थात इसमें भी कौन सी ऊर्जा स्टोर हो जाती है? स्थितिज ऊर्जा स्टोर हो जाती है। इसके बाद दोस्तों और एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। जैसे हथौड़ा, हथौड़े का ऊपर लाना, दूसरा हथौड़े का नीचे मारना, नीचे मारना। दोस्तों दोनों में एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करना। जैसे हथौड़े को हमने कहां पे ले गए? ऊपर। अर्थात जितना ऊपर ले जाएंगे उतना तो नीचे आएगा, मतलब ऊपर ले जाना क्या है? स्थितिज ऊर्जा, लेकिन नीचे आएगी मतलब गतिज ऊर्जा। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऊपर ले जाना क्या है? स्थितिज ऊर्जा। हथौड़े को नीचे लाना गतिज ऊर्जा, लेकिन जिस प्रकार प्रहार होता है उसमें ज्यादा से हमें प्रभाव देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रहार जो होता है स्थितिज ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा दोनों का मिक्सचर होता है। दोस्तों मैंने आपके सामने ऊर्जा, ऊर्जा के संबंधित कुछ एग्जाम्पल बताने की कोशिश की। इनको एक बार में रिविजन के थ्रू देखना, ध्यान से समझना। मैंने दोस्तों आपके लिए बताया ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक वही कंडीशन होगी जो कार्य की थी। इससे पहले वाले वीडियो मैंने कार्य में सारे मात्रक और विमीय सूत्र और मार्ग अर्थ को बदलना बताया है और एक अदिश राशि। तो दोस्तों एक बार देखते हैं मात्रक क्या है। जूल सीजीएस मात्रक होता है, अर्घ एक जूल बराबर होता है 10^7 अर्घ। किस प्रकार की राशि? अदिश राशि है। विमीय सूत्र क्या होता है? m1l^2t-2। इसके बाद नेक्स्ट पे देखते हैं दोस्तों ऊर्जा को संरक्षण का नियम क्या है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे तो केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित करते हैं। यहाँ पे मैंने बताया जो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, यदि वस्तु की गति, अवस्था, स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा होती है कितने प्रकार की? दो प्रकार की। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv², m द्रव्यमान और v वस्तु का वेग। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? mgh। यहाँ पे g क्या है? हमारा गुरुत्वीय त्वरण है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या कहलाती है? वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv². इसके बाद मैंने क्वेश्चन दिया यदि वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों फॉर्मूला होता है E=1/2 mv², जो भी की कंडीशन हो गई है दोगुनी हो गई। अर्थात भी का मानक होगा होल स्क्वायर खोलोगे तो 4v² हो जाएगा। अर्थात शुरुआती ऊर्जा की अपेक्षा कितनी हो जाएगी? चौगुनी। तो दोस्तों यदि वस्तु के वेग को डबल कर दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है। इसके बाद मैंने आपके लिए कुछ ऊर्जा रूपांतरण के बताया। डायनेमो क्या करता है? जनरेटर होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पंखे में क्या होती है? विद्युत मोटर। अर्थात विद्युत मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। मैंने विद्युत बल्ब बताया, विद्युत बल्ब क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके बाद दोस्तों मैंने आपके लिए और एग्जाम्पल बताने की कोशिश की है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउडस्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सोलर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
इसके बाद मैंने सेल बताया रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मोमबत्ती बताई रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में। इसके बाद मैंने बताया घड़ी की चाबी, घड़ी की चाबी क्या करती है, स्थितिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा स्टोर करती है। बांध या डैम क्या करता है, ये भी स्थितिज ऊर्जा स्टोर करता है। बच्चों के जो खिलौने की जो चाबी होती है उसके द्वारा भी स्थितिज ऊर्जा स्टोर होती है। इसके बाद मैंने बताया हथौड़े का ऊपर जाना स्थितिज ऊर्जा, हथौड़े का नीचे आना गतिज ऊर्जा। दोस्तों ये थे ऊर्जा, ऊर्जा से संबंधित कुछ एग्जाम्पल। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक होगा आवर्त क्या है, आवर्त गति क्या है, दोलन क्या है, दोलन गति क्या है, और इसके कुछ एग्जाम्पल। धन्यवाद दोस्तों। एक आवश्यक सूचना है, यदि आपके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से संबंधित कोई स्पेशल टॉपिक चाहिए जो आपके लिए परेशानी है तो कृपया कर कमेंट करें और बताएं कि सर मैं ये टॉपिक पढ़ना चाहता हूं। इसके पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।